सियासत में अब बड़े नेताओं के इस्तेमाल को लेकर जंग जारी। ताजा मामला मायावती और केजरीवाल का है। जी हां, कभी बीजेपी के खिलाफ एक होकर आग उगलने वाले अब कांशीराम के इस्तेमाल पर एक दूसरे के खिलाफ आग उगलेंगे। कांशीराम के जन्मदिन पर सियासत नई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम पार्टियों में इसे लेकर आयोजनों बयानों की होड़ मची रहती है। इसी सियासत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को तो आड़े हाथों लिया ही, आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। मायावती ने कांशीराम को लेकर केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर सवाल उठाए और केजरीवाल के कांशीराम पर दिए विज्ञापनों पर जंग छिड़ गई है। मायावती ऐसे तो कांशीराम के जन्मदिन पर लखनऊ में होती हैं, जहां लोगों और पार्टी वर्कर्स से मिलती हैं, लेकिन इस बार पंजाब में है। पंजाब से सियासी संग्राम छेड़ा है मायावती ने, जिसमें अब निशाने पर अरविंद केजरीवाल भी हैं। मायावती ने कहा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विरोधी पार्टियां, सभी ने कांशीराम जी के संघर्ष का विरोध किया। बहुजन समाज के वोट लेने के लिए कांग्रेस बीजेपी में होड़ मची रहती है। जब वो जिंदा थे वो हमेशा उनके खिलाफ रहे। केजरीवाल सरकार को निशाने पर लेते हुए मायावती ने कहा कि कुछ अखबारों में दिल्ली सरकार ने विज्ञापन दिए हैं, वोट देने के लिए अखबारों में ऐड देने की होड़ मची हुई है। कांशीराम पर जंग अब केजरीवाल और मायावती के बीच में है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी पर आग उगलने वाले ये दोनों नेता एक दूसरे पर आग उगलते दिखे तो कुछ नया नहीं होगा।